और हसन है बंधु, शेर यदि चिंघारता है सारे पीछे हो जाते हैं, जंगल में भी आवाज गूंजने लगती है, और जब आवाज की बात आती है तो सारे लोग शिक्षक कारनामे से भाग जाते हैं। जिस समय प्रखंड का चुनाव होता है, जिस समय इस कमेटी का गठन हुआ था, उस समय हुआ था कि अध्यक्ष और सचिव वोटिंग करेंगे जिला कमेटी का, और उस समय ये बायलॉज बना हुआ था और सारे लोग उसे एक्सेप्ट किए थे। आज वहाँ एक अलग संगठन का चुनाव हो गया और वहाँ से तिथि घोषित हो गया प्रदेश अध्यक्ष का। मैं जानना चाहता हूँ इसमें जितने लोग हैं आप बताएं कि कौन पूनम कुमार का नाम जानता था, खगड़िया में किसने उसका नाम रखा, कौन उनको ला करके रखा था यहाँ। पूनम कुमार को कोई खगड़िया में नहीं जानता था, यहाँ सिर्फ प्रदीप कुमार पप्पू को जानता था, और यही के बैठक में तय हुआ था, और वहां से प्रदीप कुमार पप्पू का एक 15 दिसंबर था, 15 दिसंबर को उसका कार्यक्रम तय हुआ था, जिसमें चुनाव हुआ था टाउन हॉल में, जिसमें उसके कोई सचिव या कोई नवीन अध्यक्ष आए हुए थे दरभंगा के, प्रदीप कुमार पप्पू के। और इस सदन में आज मैं तो नहीं देख रहा हूँ क्योंकि कहीं कोई साथी होंगे। मैं उस समय जब पटना गया था तो देखा कि यहाँ भी एक दूसरा भी संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन है, तो हमारे साथ एक दयानंद गुप्ता जी हैं, वो भी गए हुए थे। हम यहाँ से एक और आदमी जिस समय टीचर में काल आ रहे थे और हम सबको खोज रहे थे टीचर को, कोई टीचर नहीं था। बंधुओं, स्वर में स्वर मिला के आवाज ना दे दें। मैं कहता हूँ कि मुझे 5000 शिक्षकों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वफादार 50 शिक्षक चाहिए। और चुनाव होनी चाहिए, ये गरम दल है वो नरम दल है, संगठन में सबों की जरूरत है, गरम दल की भी और नरम दल की। जिस समय जिनको निकालना चाहिए कोई सच्ची बात प्रखंड में बोलने के लिए तैयार नहीं होते, इसीलिए भ्रष्ट लोग यहां आते हैं। आज जो कर रहे हैं क्रीच फहरा रहे हैं वो उस समय भी गलत था और आज भी गलत है, और हम लोग सीधे कह देते हैं चुनाव होनी चाहिए तो कैसी चुनाव होनी चाहिए, हमारा तो नियम था प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिव वोटिंग करे, फिर आ गए प्रखंड कमेटी वोटिंग करे, ये तो जब जब होगा जो बनेगा जैसा मन चाहेगा वैसा नियम बनाएगा, और जो जैसे जातिवाद हो संबंध हो कुटुंब हो वैसे करके अपना लोगों का चयन करवाएगा, ये हमारा समर्थन करेगा, और यही इस चुनाव में हुआ। हमने इसे बहुत भली भांति देखा कि बहुत अच्छा से हो रहा है और यही भी हुआ, और बोल रहे थे हमारे साथी दूसरा मेटर पर कि पैसा नहीं देंगे। मैं बीआरपी हूँ गंदौर का, मैं खुले चुनौती में कहता हूँ मैं सबसे पैसा दूंगा। जो नहीं देगा उसका अपने दिल से संदेह होने मैडम, आप अभी बोलते हैं आपको आगे आना होगा, और जब तक आप भूख हड़ताल पर हमारे गेट पर नहीं बैठेंगे हम नहीं करेंगे। कौन पीछे रहे कौन आगे रहे, यदि ये बात आप देखते आज ये नौबत नहीं होती। और ये ना कहें कि चुनाव होगा ये घोषणा करेगा वो घोषणा करेगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष को बनाता हूँ मैं उनको समर्थन देता हूँ, वो मुझे नहीं बनाया। यदि चुनाव होना है तो हमको डेट कुछ नहीं कीजिए, 24 दिसंबर या 27 दिसंबर को घटना घटी थी पटना में, 27 जनवरी को आप तय कीजिए एकदम चुनाव का डेट। सभी लोग उसमें अध्यक्ष आप यहाँ कीजिए, हम पूरे प्रदेश के 3600 जिला के अध्यक्ष को आमंत्रित करेंगे, यदि आपको आना है तो सारे लोग मेरे यहाँ आइए, हम चुनाव करवा रहे हैं। आप यदि हमें मानते हैं आप आइए और जनवरी में कीजिए, हम 1 तारीख को डेट तय किए, आपको आना है तो आप आइए, आपको मेरी जरूरत है तो आप आइए, जरूरत नहीं है तो आप भी रास्ता देखिए मैं भी रास्ता देखूंगी।
Loved me, and no one ever would have dared to tread.